हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम प्रधानमंत्रियों की कड़ी देख रहे थे। इसमें अगले प्रधानमंत्री हमारे एच डी देवगौड़ा साहब। इनकी बायोग्राफी या जीवनी के बारे में, या इनके जीवन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। इनके जन्म की बात करें तो 18 मई 1933 को हरदन हल्ली गांव हासन कर्नाटक में हुआ, और इनकी कार्य क्षेत्र हैं राजनीति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इनका पूरा नाम रहा है हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देव गौड़ा। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे भारत के 11वें प्रधानमंत्री और कर्नाटक राज्य के 14वें मुख्यमंत्री थे। वे राजनीतिक पार्टी जनता दल के नेता हैं। उन्होंने अंजनेय सहकारी समिति के मुखिया और बाद में तालुक विकास बोर्ड होलना राशिपुरा पुरा के सदस्य के तौर पर राजनीति जगत में जगह बनाई। एच डी देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, पर ये ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सके। लगभग 10 महीने तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो एच डी देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के होलन रस्सीपुर तालुक में हरदन हल्ली गांव में हुआ था। वे डोडे गौड़ा और देवम्मा के पुत्र थे। वह किसान परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 20 वर्ष की आयु में गौड़ा राजनीति में आ गए। उन्होंने चिन्नम्मा से विवाह किया और उनके 4 पुत्र हुए, एच डी बालकृष्ण गौड़ा, एच डी रेवन्ना, डॉक्टर एच डी रमेश और एच डी कुमार स्वामी। उनकी 2 पुत्रियां हुई, जिनका नाम है एच डी अनसुरिया और एच डी शैलजा। उनके 1 पुत्र एच डी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के। अब इनके जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन की, गौड़ा ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छोटी उम्र में ही कर दी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शामिल होकर 1962 तक पार्टी के कार्यकर्ता रहे। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने लगातार 3 बार चुनाव में जीत दर्ज की, चौथी 1967 से 71, पांचवी 1972 से 77 और छठवीं 1978 से 83। वे राज्य विधानसभा में 1972 से 76 तक और 1976 से 77 तक विपक्ष के नेता रहे। सन 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान वे 18 महीने जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने कई किताबें पढ़कर और उस दौर जेल में बंद नेताओं से बात करके अपनी राजनीतिक ज्ञान बढ़ाया। इस ज्ञान से उनका राजनीतिक व्यक्तित्व और विचार दोनों निखरे। 22 नवंबर 1982 को गोंडा ने 6वीं विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वह 7वीं और 8वीं विधानसभा में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री बने। सिंचाई मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिंचाई की कई नई नई योजनाएं शुरू की। 1987 में उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और सिंचाई के लिए अपर्याप्त धन दिए जाने का विरोध किया। 1989 में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। 222 विधानसभा सीटों में से जनता दल पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। इसके बाद 1991 में हुआ हासन
संसदीय क्षेत्र से संसद के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने कर्नाटक के लोगों खासतौर पर किसानों की समस्याएं उठाने में अहम भूमिका निभाई। आम जनता के साथ साथ उन्हें संसद भी सभी से बहुत सम्मान मिला। वह 2 बार जनता दल के नेता बने। इसके बाद वह जनता दल पार्टी की ओर से विधायक दल के नेता चुने गए। 11 दिसंबर 1994 को कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इस बड़ी सफलता के बाद उन्होंने भारी मतों के साथ रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता। 1995 में एचबी देवगौड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री फॉर्म तथा अन्य विकास के विषयों के लिए स्विट्जरलैंड और मध्य पूर्वी देशों की यात्राएं की। 1996 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार मिली और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद एचडी देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। यह स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में असफल रही और यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन क्षेत्रीय गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दलों का संयुक्त समूह ने सरकार बनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वह 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके योगदान की बात करें तो एचडी देवगौड़ा अपने राजनीतिक जीवन में किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए काम किया। उन्होंने कर्नाटक के विकास के लिए भी बहुत कुछ किया। जब वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके तहत अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान था। उन्होंने हुबली में ईदगाह मैदान की समस्या को हल किया और राज्य के विकास के लिए पूरे प्रदेश सर्वे कराने की घोषणा की। सर्वे पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने कई नई योजनाओं को लागू किया। इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं और सन देख लेते हैं। 1933 में कर्नाटक के हसन जिले के हरदनहल्ली गांव में इनका जन्म हुआ। 1953 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1972 से क्षेत्र विपक्ष के नेता बने। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल भी गए वो, और 1982 में 6ठी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। 1987 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 1989 में चुनाव में वे उन्हें हार मिली। 1991 में लोकसभा के लिए हासन संसदीय क्षेत्र से चुने गए और 1994 में जनता दल पार्टी के विधायक दल के नेता बनकर राज्य के 14वें मुख्यमंत्री बने। और 1995 में सिंगापुर और मध्य पूर्व देशों की यात्रा की उन्होंने, और 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। चलिए, तो ये थी एच डी देवगौड़ा साहब की बायोग्राफी या जीवनी।